धनी होने के बावजूद मैंने अपने एक लौते बेटे को 10 रुपए से ज्यादा कभी पॉकेट मनी नहीं दी। वो हमेशा ही अपने दोस्तों को दिखाकर बोलता है, पापा देखो उसका स्कूल बैग इम्पोर्टेड है, कितना सुंदर है ना पापा। मैं सर हिलाकर सम्मति देता हूँ। मेरे बेटे की कभी हिम्मत नहीं हुई सेम चीज मांगने की। एक दिन उसके पाँव में थोड़ा दर्द था। स्कूल जाते वक्त उसने कहा, पापा आपके साथ ऑफिस की गाड़ी में मुझे स्कूल छोड़ देंगे। मैंने उसकी समस्या को समझा और कहा ठीक है। इसके बाद एक सप्ताह तक वो मेरे साथ ही स्कूल जाता रहा। मैं चुपचाप उसे स्कूल छोड़ देता था। मैंने देखा मेरे बेटे को अब पैदल जाने की इच्छा ही नहीं हो रही। अगले दिन सुबह मुझसे कुछ कहने से पहले ही मैंने कहा, ऑफिशियल चीजों को व्यक्तिगत काम में लाना मना है। घर से स्कूल 10 मिनट का रास्ता है, समय से थोड़ा पहले निकलोगे तो पैदल ही पहुंच जाओगे। मेरा बेटा उदास होकर बैठा रहा। आज शाम को मेरा बेटा घर आते ही बोलने लगा, मेरा दोस्त शहर के सबसे बड़े स्कूल में दाखिल हुआ है। मैं भी कुछ कहने से पहले ही मैंने उसे रोक कर पूछा, स्कूल बड़ा होता है या स्टूडेंट? मान लो उसी स्कूल में मैंने तुम्हारा दाखिला करा दिया पर तुम फेल हो गए किसी सब्जेक्ट में, तो मुझे क्या कहना चाहिए, तुम फेल हो गए या स्कूल फेल है? मेरे बेटे ने कहा, मैं समझ गया पापा। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, अब तक तुम्हारी क्लास का तुम ही फर्स्ट बॉय हो, तो तुम जहां अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करोगे वही जगह सर्वश्रेष्ठ होगी, तुम्हारी तरह। इसके बाद इस तरह की कोई बात उसने नहीं कही। आज शाम उसने कहा, पापा एक एक्स्ट्रा ट्यूटर की जरूरत है, मुझे मैथ्स और इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बेटा थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा, मैं जब देर रात घर लौटूंगा 9 या 10 बजे तक मेरे पास ही तुम्हें इंग्लिश और मैथ्स पढ़ना होगा। मेरे बेटे ने कहा, पापा आप टायर्ड रहते हैं ना? मैं हंसकर बोला, नहीं बेटा मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं तुम्हें एक्स्ट्रा ट्यूटर दे सकूं, बल्कि थोड़ी तकलीफ ही कर लेता हूँ, क्या कहते हो? बेटा खुश होकर बोला, ठीक है पापा। पत्नी ने रात को कहा, तुम ऐसे 10 ट्यूटर रख सकते हो मुझे पता है, पर मैं चाहता हूँ मेरा बेटा ये समझे कि आराम से कुछ नहीं पाया जा सकता। इंसान के जीवन में अभाव आता है तो कैसे उससे लड़ते हैं, ये सिस्टम उसे अभी से सीखना होगा। कोई भी चीज छोटी नहीं होती, ये वो अभी से समझेगा। मेरी पत्नी चुप हो गई। बीच बीच में मैं अपने बेटे के साथ फुटपाथ पर चलता हूँ, रास्ते के बच्चों से लेकर विभिन्न इंसानों के बारे में उसे बताता हूँ। वो समझे दुनिया सिर्फ ख्वाबों में खूबसूरत है, वास्तव बहुत कठिन। मैंने कभी मांगते ही उसे तुरंत ही कुछ नहीं दिलाया। एक दिन उसने कहा था, पापा आप ऐसे क्यों हैं? मैंने कहा, वक्त आने पर समझोगे। बाजार जाकर उससे कहा अपनी क्षमता अनुसार खरीदना। उसने अपने लिए एक पैंट, मेरे लिए कुर्ता और अपनी माँ के लिए एक साड़ी खरीदी। मैंने हंसकर कहा, इतने पैसे कहाँ मिले? वो मुस्कुरा कर बोला, पॉकेट मनी बचाई है पापा। वो समझ गया है कि पैसे कैसे बचाए जाते हैं। मन कर रहा है उसे अभाव महसूस कराऊं, ताकि वो समझे जीवन कितना कठिन है, बहुत कठिन। एक दिन बैठे बैठे बोल रहा था, पापा आयुष इंसान नहीं बन पाया पर अंकल उसके लिए कितना कुछ करते हैं, जो चाहता है वो उसे देते हैं। मैंने अपने बेटे से कहा, क्या ऐसा कुछ है जो मैं तुम्हें नहीं दिला सकता? मेरी तरफ देखकर वो बोला, हर इच्छा पूरी न करके आपने सिखाया है कि अभाव में भी कैसे स्वभाव नष्ट नहीं होना चाहिए। आपने मुझे जीवन की जो शिक्षा दी है वो सबसे ऊपर है। मैं मामूली कपड़ों में भी हीन भावना नहीं महसूस करता, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ। आपकी दी हुई शिक्षा मैं पूरी जिंदगी याद करूँगा। मांगते साथ ही सब कुछ मिल जाता तो मैं कभी नहीं समझ पाता कि 50 दिन टिफिन न खाकर पॉकेट मनी बचाने से 500 रुपए बचते हैं। आप हैं तभी संभव है। मैंने इंसान को इंसान की आंखों से देखना सीखा है। मैं समझता हूँ जीवन कितना कठिन है। लगभग 10 साल बाद मेरे बेटे ने प्राइवेट कार खरीदी है। हंसते हंसते बोल रहा था, पिछले 5 सालों में टिफिन का खर्चा और बोनस का पैसा बचाकर मैंने ये खरीदा है। मैं समझ गया कि मेरा बेटा बचत करना सीख गया है और एक सच्चा इंसान बना है। हफ्ते भर बाद अपनी पुरानी जायदाद उसके नाम लिखकर मैंने कहा, संभाल कर रखना। मेरा बेटा मेरे हाथ में दस्तावेज थामते हुए बोला, आप दोनों हमेशा साथ रहना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आज उसे गले से लगाकर अपनी पत्नी नीलिमा से कहा, देखा मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने अपने बेटे को श्रेष्ठ इंसान बनाने के लिए श्रेष्ठ शिक्षा ही दी है, जैसे मेरे पिता ने मुझे दी है। मैंने बच्चे को कमी से शर्मिंदा नहीं बल्कि मजबूत होना सिखाया है।